दोस्तों ये मेरे व्यूवर्स हैं जो कि अपना दिमाग पे दिमाग ट्रिक पे ट्रिक लगाते चले गए। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड फाइनली इनके पास डिस्पैच हो गया। अभी इसके पहले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया था कैसे इन्होंने रॉन्ग पिन कोड डाल के कार्ड को अप्लाई किया, अप्रूव भी हो गया था। चलिए बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों मेरे व्यूअर्स हैं जो कि इनका वीडियो आपको 3-4 दिन पहले मिला होगा कि रॉन्ग पिन कोड डाल के क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करवा लिया। इनके एरिया में सर्विस नहीं था तो भी इन्होंने सिटी का पिन कोड डाला और कार्ड को अप्रूव करवा लिया, बैंक डिस्पैच भी कार्ड कर दिया रोड कोरियर के थ्रू। इतनी बड़ी कहानी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मित्रों यहां मैं बताता हूं, यहां पे जो क्रेडिट कार्ड होता है RBC फर्स्ट बैंक का, अधिकतर आपके एरिया में सर्विस नहीं होता है। आप देखते हैं कि कुछ रिसर्च पिन कोड होता है, अगर वहाँ पे सर्विस नहीं है आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। बट कुछ लोग सिटी का पिन कोड डाल के कार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं और अप्रूवल मिल जाता है। मित्रों मैंने अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले वीडियो में बोला था कि रॉन्ग पिन कोड डाल दिया और अगर आपके एड्रेस से पिन कोड मैच नहीं किया तो अगर आपका कार्ड जो है भेजा गया है ब्लू कोरियर के थ्रू तो आपको कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। 99% चांस में कार्ड नहीं मिलेगा, 1% चांस में शायद आपको कार्ड मिल जाए। तो मित्रों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आपने रॉन्ग पिन कोड डाला, कार्ड आपका बैंक ने डिस्पैच भी कर दिया और जो कोरियर कंपनी है वो है ब्लू डॉट, तो आपको कार्ड मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई और कोरियर है, DTDC है, डिलीवरी है, स्पीड पोस्ट है, तो उससे आप उम्मीद कर सकते हो, बट इस कोरियर से आप उम्मीद कभी मत करना। आपका अगर व्यवहार है, कोई पहचान है, सब मिल जाए, वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक के जो रिकॉर्ड जो एड्रेस होता है, जो पिन कोड एड्रेस से मैच करेगा उसी एरिया में कार्ड को भेजती है, अगर नहीं मैच किया आपको नहीं देती है। तो मित्रों मेरा आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे करें, नहीं तो आपकी सिविल खराब होगी, इंक्वायरी जाएगा, कार्ड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। काफ़ी लोग लेते हैं, मैंने भी खुद बनवाया था बहुत टाइम पहले। पहले का नियम और था, अब का नियम और है। पहले तो बैंक के कॉल करने पे चॉइस कुरियर से आपका कार्ड भेजती थी, अब तो कुछ भी करो आपका कार्ड भेजेगी ब्लू कुरियर के थ्रू, और कोई भी आप कुरियर का नाम लो पहले उसी से भेजेगी। तो ये कहानी है, अब इन्हें कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है तो यही जानेंगे। बाकी आप लोग ये गलती मत करना, एक कार्ड के चलते अपने सिविल में इंक्वायरी करोगे और फालतू का आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा। इन सब बातों को याद रखे चलना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाकी आपकी मर्जी, आपका विचार, आपका सिस्टम। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना और आप बताना कि आपने किस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और कौन सा पिन कोड डाला और किस कुरियर से आपका कार्ड आया था। तो फिर मिलते हैं नवरू साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।